एक हैचबैक वाली ही फील आपको आएगी, डिजाइन वाइज आपको चेंज मिलेगा। मुझे जो एक इशू लगता है ना वो आफ्टर सेल सर्विसेज का लगता है, इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है कि आपको इनकी सर्विसेज हर जगह मिल जाए। इसके अलावा इंजन जो अंडर पावर की बात है, इंजन अंडर पावर आपको फील होता है, यस एग्री करता हूँ, बट वो सबको फील नहीं होगा गाइस। बात करें अब जिस कार को मैं रिकमेंड करता हूँ इस सेगमेंट के लिए, वो है। हेलो गाइज, वेलकम टू रियल कार फैक्ट्स, एंड कैसे आप सब लोग, आई होप सब लोग मजे में होंगे और मस्त होंगे। तो गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रो एसयूवी सेगमेंट के बारे में, बिकॉज कहीं ना कहीं ये सेगमेंट ना बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है इंडियन मार्केट में, एंड बहुत लोगों की डिमांड आ रही है इस सेगमेंट के ऊपर। तो गाइज आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी कार आपके लिए इस सेगमेंट में बेस्ट है और आपको किस कार की तरफ जाना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, एंड सबसे पहले बात करते हैं कि इस सेगमेंट में कौन कौन सी कारें आती है। तो गाइस इस सेगमेंट में जो कारें आती है ना, वो आती है टाटा की तरफ से टाटा पंच, हुंडई की तरफ से हुंडई एक्सर, रेनॉल्ट की तरफ से रेनॉल्ट काइगर, एंड निसान की तरफ से निसान मैग्नाइट, उसके अलावा सिट्रॉन एंड मारुति फ्रॉन्क्स। तो गाइस ये कार्स हैं जो इस सेगमेंट में आती है, एंड अब बात करते हैं एक एक करके कि किस कार को लेना आपके लिए एक बेस्ट डील है और आपको किस कार की तरफ जाना चाहिए। तो गाइज देखो, पहले मैं अपनी वीडियोस में बहुत बार बता चुका हूँ कि कार ना आपकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होनी चाहिए, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसी के बेसिस पे आपको कार परचेस करनी चाहिए। बट फिर भी हम एक ओवरऑल बात करेंगे और मेरे अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा आपको कि कौन सी कार मुझे लगता है कि बेस्ट हो सकती है अगर आप इस सेगमेंट में कोई कार देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं हुंडई एक्स्ट्रा के बारे में। हुंडई एक्स्ट्रा हुंडई की तरफ से आने वाला एक अच्छा प्रोडक्ट है, एंड रिसेंट टाइम में इस कार की सेल्स भी बढ़ी है। डिजाइन वाइज, एक्सटीरियर डिजाइन वाइज कार अच्छी लगती है काफी। इंटीरियर डिजाइन वाइज भी अगर कोई फर्स्ट टाइम ले रहा है कार और उसने हुंडई की इससे पहले कोई हैचबैक नहीं चलाई है, तो उसके लिए न्यू इंटीरियर रहेगा। बट वी ऑल नो कि जो एक्स्ट्रा में जो इंटीरियर आ रहा है वो i10 और ऑरा का ही इंटीरियर उन्होंने एक्स्ट्रा में कंटिन्यू किया है। बट जो मेन पॉइंट है ना, जो जिस वजह से मैं एक्स्ट्रा को इस सेगमेंट के लिए परफेक्ट नहीं मानता, वो है बिकॉज इस कार में आपको वो एसयूवी वाला फील मिस होगा, बिकॉज जो कार की सिटिंग पोजीशन है वो काफ़ी लो है, इसीलिए ये कार जब भी आप इसमें बैठोगे ना तो आपको काफ़ी हद तक एक हैचबैक वाली फील देगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक माइक्रो एसयूवी सेगमेंट की कार ढूंढ रहे हो और आपको उसमें वो एसयूवी वाली फील ही ना मिले, तो उसके लिए इसीलिए मैं एक्स्ट्रा को इस रेस से बाहर करता हूँ। एंड मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा, अगर आप इस सेगमेंट में कार ढूंढ रहे हो और आपकी क्राइटेरिया ही यही है कि आपको एक एसयूवी फील वाली कार चाहिए, हाई ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, अच्छी विजिबिलिटी चाहिए, एक एसयूवी वाला फील आना चाहिए, तो उस केस में एक्स्ट्रा आपको वो चीज़ नहीं देने वाली। तो एक्स्ट्रा को इस रेस से बाहर करते हैं, एंड बात करते हैं सेकेंड कार फ्रॉन्क्स के बारे में। फ्रॉन्क्स में भी ना कहीं सिमिलर यही इशू है कि फ्रॉन्क्स भी आपको ना एक एसयूवी वाला लुक नहीं देता, बिकॉज फ्रॉन्क्स की भी जो सिटिंग पोजीशन है वो काफ़ी लो है, एक हैचबैक वाली ही फील आपको आएगी। डिज़ाइन वाइज आपको चेंज मिलेगा एक्सटीरियर से इंटीरियर से, बट वो कहीं ना कहीं जो बलेनो वाली फील है ना वही आपको फ्रॉन्क्स से बैठ के आने वाली है। डिज़ाइन अच्छा लगता है फ्रॉन्क्स का देखने में, अगर मेरे को पर्सनली फ्रॉन्क्स का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, बट वही चीज़ है, वो फील मिस है, वो एसयूवी वाला फील आपको फ्रॉन्क्स में नहीं आने वाला। सो गाइस अब बात करते हैं सेगमेंट की बाकी कार्स की, यानी कि रेनॉल्ट काइगर, निसान मैग्नाइट एंड सिट्रॉन के बारे में। इन तीनों कार्स में मुझे जो एक इशू लगता है ना वो आफ्टर सेल सर्विसेज का लगता है, इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है कि आपको इनकी सर्विसेज हर जगह मिल जाए, और ऊपर से रीसेल वैल्यू भी इन कार्स की काफ़ी कम है, तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इन ब्रांड्स की तरफ जाइए या इनकी कार लीजिए। ऑल्दो परफॉर्मेंसेज वाइज बात करूँ तो परफॉर्मेंस, डिसेंट परफॉर्मेंस निकाल के देती है ये कार। जो निसान का मैग्नाइट का काइगर का जो CVT वेरिएंट है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, बट उसके अलावा ये डिसेंट परफॉर्मेंस निकाल के देती है। एंड पर्सनली मेरे से पूछोगे तो मेरी रिकमेंडेशन नहीं रहेगी इन तीनों कार्स के लिए, तो इनको मैं बाहर करता हूँ। एंड बात करें अब जिस कार को मैं रिकमेंड करता हूँ इस सेगमेंट के लिए, वो है टाटा पंच। एंड बहुत सारे लोग मुझसे बोलेंगे कि यार टाटा पंच में भी तो बहुत इश्यूज हैं, टाटा पंच का इंजन भी अंडर पावर है, टाटा पंच में भी पैनल गैप है, तो क्यों रिकमेंड कर रहे हो इस कार को लेने के लिए। तो गाइस इसका सीधा सीधा रीजन है कि इस प्राइस रेंज में ना इस सेगमेंट की जो बेस्ट कार है ना मेरे अकॉर्डिंग वो टाटा पंच ही है, क्योंकि टाटा पंच में आपको बहुत सारी, एक कंप्लीट पैकेज है टाटा पंच। टाटा पंच में हो सकता है कुछ चीज़ें किसी और कार में बेटर हो, बट जब ओवरऑल पैकेज की बात आती है ना तो वो टाटा पंच आपको ऑफर करती है। टाटा पंच में आपको एक एसयूवी वाला फील आएगा, हाई ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें मिलती है, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, सिटिंग पोजीशन काफ़ी हाई है, अपराइट स्टांस में आप बैठते हो, कमांडिंग पोजीशन मिलती है, हैंडलिंग कार की बहुत अच्छी है,
कार अगर आप हाईवे में देखोगे तो स्टेबिलिटी कार की बहुत अच्छी है, और उसके अलावा 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है, बिल्ड क्वालिटी स्ट्रक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है कार की। हाँ, जो पैनल गैपिंग की बात आप कर रहे हो, जो आप बोलोगे वो चीज़ सही है, वो चीज़ है टाटा में, एंड सिर्फ पंच में नहीं, वो टाटा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा इंजन जो अंडर पावर की बात है, इंजन अंडर पावर आपको फील होता है, यस एग्री करता हूँ, बट वो सबको फील नहीं होगा गाइस। तो अगर कोई सोच रहा है कि यार सबको इसका इंजन अंडर पावर फील होगा, वो ऐसा नहीं है। जो लोग एक परफॉर्मेंस वाली कार चाहते हैं, जिनको चाहिए कि यार क्विक एक्सेलरेशन मिलना चाहिए कार में, एंड जो लोग कि ड्राइविंग हैबिट ऐसी है कि वो एक्सलेट करके चलाते हैं, उनको क्विक पिकअप चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स चाहिए कार से, वो लोगों को फील हो सकता है अंडर पावर। जो नॉर्मल स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, जिनको ज़्यादा एक्सेलरेशन नहीं करते, ज़्यादा पिकअप रिक्वायर्ड नहीं होता, उन लोगों को इसका इंजन बिल्कुल भी अंडर पावर नहीं लगने वाला। हाँ, एक थोड़ा सा NVH लेवल का इशू है, एंड वो भी बाहर ज़्यादा आपको फील होता है, कैबिन काफ़ी साइलेंट है, एंड BS6 Phase 2 वेरियंट आने के बाद तो ये जो NVH वाला इशू है वो भी काफ़ी हद तक कम हो गया, एंड कैबिन में तो आपको पर्सनली कोई इशू नहीं आने वाला। और जो फर्स्ट टाइम ले रहा है ना कार, उसको तो फील नहीं होगा ये 3 सिलेंडर एंड 4 सिलेंडर वाली चीज़ें, बिकॉज 4 सिलेंडर वाली चीज़ और 3 सिलेंडर वाली चीज़ आपको तभी फील होगी जब आपने कोई 4 सिलेंडर वाली कार चलाई होगी, या आपने इससे पहले कोई ऐसी कार चलाई होगी जिसमें NVH लेवल बहुत लो होगा, तभी आपको फील होगा। अदरवाइज कोई फर्स्ट टाइम ले रहा है उसको बिल्कुल फील नहीं होने वाला। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ना कंप्लीट प्रोडक्ट आपको मिल रहा है इस प्राइस रेंज में। इस सेगमेंट की जो बाकी कार्स हैं वो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको डिलीवर नहीं कर पा रही जो टाटा पंच में आपको मिल रही है, इसीलिए ये कार टॉप सेलिंग कार में से आ रही है एंड इस सेगमेंट को रूल कर रही है। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग तो टाटा पंच इस सेगमेंट के बेस्ट कार है, एंड अगर आप इस सेगमेंट में कोई कार ढूंढ रहे हो तो आपको डेफिनेटली टाटा पंच की तरफ जाना चाहिए। तो गाइस अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको लगता है कि नहीं कोई और कार इस सेगमेंट के लिए परफेक्ट कार है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना ना भूले, एंड अगर चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है आगे वीडियोस बनाने के लिए। तो गाइस इस वीडियो में तो इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।